अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, या लिए सलात व सलाम और वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल विद अनदर वेरी 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 ब्यूटीफुल डे। आप पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, आपको, आपकी फैमिली को विलादत मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन गालिब कुल गालिब अली इब्न अबी तालिब बहुत 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 मुबारक हो। तो आज का दिन इतना खुशी का दिन है भाई, जश्न मनाए जा रहे हैं जगह जगह पे, विलादत के नजरों हो रही हैं सब जगह पे, महफिलें हो रही हैं। तो वैसे हम लोगों का आज भी कुछ और प्लान था, हम लोग शाही मर्दा जाने वाले थे, वहाँ पे बहुत अच्छा जश्न होता है, लेकिन हमें एक महफिल से बुलावा आ गया तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। आप मुझे देख सकते हैं, मैं रेडी भी हो गई हूँ और इसमें भी रेडी हो गई है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। फिर उसके बाद नजर का भी हमारा सारा इतमाम हो गया है, दही बड़े बन गए, छोले वगैरह सब तैयार है, बस शाम में हम लोग नजर दिलाएंगे। जैसे असफी को देख सकते हैं, असफी दिखा देंगे आप? हाँ बिल्कुल। असफी और मैं दोनों, आप सभी को मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो हम सब की तरफ से, आपको और आपकी फैमिली को, सबको बहुत बहुत मुबारक हो जी। और देख सकते हैं आप लोग, हम रेडी हो चुके हैं, तो बस हम लोगों को निकालना है महफिल के लिए। हम थोड़ा लेट भी हो गए क्योंकि नजर का काम होता है तो इंसान लेट हो जाता है। सुबह में हम लोग सुबह से उठे हुए हैं, लेकिन और आज तो सुबह से हमारा काम चल रहा है और हमें 1 बजे का बुलावा था, लेकिन अभी हमें 2 बज चुके हैं और हम अभी तक नहीं निकले, लेट हो चुके हैं। तो बस अब बंद करते हैं भाई कैमरा और चलते हैं। हाँ भाई, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे न्यू ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ना खत्म हुआ, हमें महफिल मिल जाए बस। रुक जाओ, महफिल हो गई है, बहुत अच्छी लग रहा है, हम दूसरी महफिल में जा रहे हैं। क्या है हमें तबर्रुक, अली भी है, अली रसूल भी है, अली मौला है कायनात शोहर बतूल भी है, या अली कहना अगर है हराम मा जल्ला, या अली कहना अगर है हराम मा जल्ला, ये क्या देखता हूँ, ये क्या हो रहा है, जमाना ही कुछ दूसरा हो रहा है। क्योंकि मौलाए कायनात की महफिल है तो उनका सबसे जरूरी आज कि मेरा यकीन मेरा ईमान हो गए हैं अली, मेरा यकीन मेरा ईमान हो गए हैं अली, और खुदा के दीन की पहचान हो गए हैं अली, और नबी की गोद जी। हम लोग आ गए अपने घर और अल्हम्दुलिल्लाह महफिल जो थी वो बहुत अच्छी हुई है। फिर बहुत देर की महफिल थी, जल्दी जल्दी हम लोग आ गए। फिर हम लोगों को बदलाव सामान लेना था तो हमने सामान ले लिया, नज़र के फ्रूट्स वगैरह और हमारा तबरुक क्या है, तबरुक सारा कुछ, तबरुक भी मिला है वहाँ से, हमने मिलाद पढ़ा था तो उसमें हमें ये पेन मिला है, और हाँ वहाँ पे मिलाद भी पढ़ा था तो वहाँ पे पेन भी मिला है, पैसे भी मिले हैं। हाँ बड़ा मज़ा है, तो बस चलते हैं। और ये भी तबरुक है, खीर है इसमें, और खीर के लिए तबरुक है। तो भाई हमारे घर में इतने जोर शोर से तैयारी चल रही है नजर की, अस्मा अपनी जो है वो दही बड़ा बना
बना रही है और प्याज वगैरह कट कर रही है और पता नहीं मन का मत भी पढ़ लिया सब कौन सा घर में था कब्जाबतों का माशाल्लाह अली कब्जा छुड़ानी आ रहे हैं सुभान अल्लाह क्या क्या बना लिया कब्जा यार कितना सब फैल गया हमारा किचन है ना हाँ सब पहले भाई जब नजर वगैरह होती है तब तो काम अलग ही होता है भाई बहुत ज्यादा फैल जाता है हर चीज तो अस पप्पी ने दही बड़े बना दिए मैं दिखा दूँ ये दही बड़े हमारे हो चुके हैं रेडी ये नजर के ये फातिया के अस पप्पी ने दही बड़े बना दिए अस पप्पी ने छोले बना दिए अस पप्पी ने खीर बना दी है और मैंने चावल लगा दिए अभी कोफ्ते तैयार हो रहे हैं गाइस ठीक है और ये क्या है सब ये कुछ नहीं है ये क्या है छोले ये छोले रेडी हो गए निकालने छोले बोल में निकालेंगे और फिर नजर से लाएंगे और फिर हम लोग जाएंगे आज अभी शाय मरदा क्योंकि वहाँ पे ज्यादा करके आएंगे क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा जश्न होता है ना और हम लोग वहाँ गए नहीं थे क्योंकि हम सुबह महफिल में चले गए थे इसलिए तो अब हम रात में वहाँ जाएंगे पापा हमें लेके जाएंगे तो तुम भी सुना दो मैं सुना दूँगा सुनाओ वो तो मुझे अच्छा लगता है हाँ अली अली कर नजर चाहिदा सबनू दस नजर चाहिदा अली अली कर नजर चाहिदा बीबी कहो गदीर के मौला को भेज दो अरे घर में ही क्या हकीकत किबला को भेज दो तेरा रजब को बोला खुदा ए अली की माँ आ पाएंगी ये खाना काबा को भेज दो नाराय हैदरी अली बिनते असद खुद नहीं आई आप खुदा ने बुलवाई के अजा जिबरील बनारस ते नाल नबी नौकर बन के उधर खोले ना पुराना अली काबे विच आना दर खोली ना पुराना अली काबे विच आना अना दर बन ना जरूर चाहिदा अली 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 कर ना जरूर चाहिदा सबनू दस ना जरूर चाहिदा अली अली कर ना जरूर चाहिदा माशाल्लाह माशाल्लाह काबे में विलादत अली अली मस्जिद में शहादत अली अली हसनैन के बाबा अली अली जिब्रील के टीचर अली अली जहरा के शोहर अली अली दामाद पैगंबर अली अली जरा जोर से बोलो अली अली सब मिलकर बोलो अली अली नाराय हैदरी अली नाराय सलावत मुझे गला बंद बहुत अच्छा लगता है वो क्या फातमी है वो क्या हाँ सुनो वो क्या फातमी है वो क्या मातमी है जो मौला अली की विला छोड़ता है नहीं बात मेरी हदीसे नबी है अली को फकत बेहया छोड़ता है विलायत अधूरी शराफत अधूरी अली के बिना है इबादत अधूरी अभी मांग लो तुम विलायत से माफी अली तौबा का दर खुला छोड़ता है चलिए बस आप नजर दिलाएंगे अम्मा विलादत मौला कायनात आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी बहुत सबको मुबारकबाद बोल दो मुबारक हो सबको क्या बना रही है कोफ्ते कोफ्ते भाई कोफ्ता शेफ बहुत अच्छे बनाती है हमारी अम्मा और नजर का फिर नजर का काम हो तो बहुत ही अच्छा बनता है वो तो आज बहुत लजीज खुशबू आ रही है बहुत मजेदार खुशबू आ रही है कोफ्तों की यार देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने में फिर तेरी दोस्त यही कहेंगी कोफ्ते डाल देती हो तो नहीं डाल कोई बात ही चलता है डाल देते हैं सब अपन है तो दिखाएंगे भी किसान चलो जल्दी से दस्ता खान लगाओ नजर ये फ्रूट्स करके हमने यहाँ रख दिए थे कट करके अब हम जल्दी से दस्ता खान लगाएंगे और फिर नजर की तैयारी करेंगे अगरबत्ती जलाओ मोमबत्ती जलाओ
तो जी बस हमारी नजर हो गई है और बहुत अच्छे से हमारी नजर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि और जब नजर अच्छे से हो जाती है ना तो बहुत खुशी मिलती है कि हमारी नजर बहुत अच्छी हो गई है। तो बस इस वक्त हम लोग जा रहे हैं शाहमर्दा, हम जा रहे हैं शाहमर्दा मेट्रो से, क्योंकि पापा ने एंड वक्त पर हमें मना कर दिया कि वो हमें लेके कार से नहीं जाएंगे, इसलिए हम लोग शाहमर्दा जा रहे हैं मेट्रो। सब लोग रेडी हो चुके हैं तो बस हम निकल रहे हैं शाहमर्दा के लिए, चलते हैं, लेट्स गो। कैसा लग रहा है कि पापा ने तो मैं से मना कर दिया हम लोगों को? अरे सुबह पापा ने ये कहा था कि लेके जाएंगे कार से, हम लोग इतने रिलैक्स थे कि हाँ हम रात को जाएंगे पापा के साथ। वो ना हमारे पापा हाँ ना एंड वक्त पे बहुत मना करते हैं इन चीजों को, अपनी कार का मूड खराब कर देते हैं, अपनी कार से जाते हैं ना थोड़ा रिलैक्स रहते हैं कि किसी टाइम जाओ पूरे सुबह से हमने मूड बना रखा था कि हम लोग रात को जाएंगे पापा के साथ कार से। एंड वक्त पे क्या हुआ, पापा ने मना कर दिया, लेकिन था हमारा प्लान तो हम कैसे कैंसिल कर देंगे। हम लोग जा रहे हैं कार से मेट्रो से, मेट्रो से कहाँ गए वो लोग आगे निकल गए। तो भाई यहाँ पे एक्सलेटर है और अमिताभ के सड़क पे डर गए क्योंकि उनको एक्सलेटर फोबिया है, वो मुझे जाना वो उससे जाया नहीं जा रहा है तो वो कैसे जाएंगे। अब देखते हैं नॉर्मल स्टेयर्स इधर है नहीं तो देखते कैसे जाती है। अरे चल लो भाई सड़क पे, कितना डर यार हमारे घर के लोग कितना डर रहे हैं, किसी का भी निकलने दे रहे देखते क्या सीन है। जल्दी 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 लेट्स गो, मेरे पापा को लेके जाऊंगी, जाओ 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 भाई से एक्सपीरियंस ले रहे थे एक्सलेटर का एक्सपीरियंस करा रफी का सराव का रितप्पी का दिल कांप रहा है। अच्छा बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, अपनी डरते डर तो नहीं लगता नहीं अब तो नहीं लगेगा नहीं लगा नहीं हमें डर नहीं लगा। अब सवारी आई है अभी तक फर्स्ट क्लास पे भी चलो हमारे आगे बढ़ हमारे आगे घूमना स्पेशली डरते खुल जाएंगे तो हमारी सवारी आने वाली है बस। और जैसी हमारी सवारी आएगी हम बैठेंगे। फिर आ गई आ गई आ गई, हाँ हाँ आ गई भाई, चलो चलो हमारी सवारी आ गई। सवारी नहीं बोलते हमारी मेट्रो बोलते हैं। अच्छे थे अच्छी नहीं आई वैसे, कोई बात नहीं, मस्त कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ नहीं। हम पहुंच चुके हैं बस जौहर बाग और यहाँ पे सब लोग आते हुए इतने ज़्यादा थक गए क्योंकि मेट्रो का रूट तो सबको आपको पता ही है तो बड़ा लंबा होता है तो आना इन लोगों को मेट्रो से था। तो हम लोग मेट्रो से आए हैं यहाँ जौहर बाग और बस अब हम जा रहे हैं दरगाह के अंदर और यहाँ भाई जश्न में पटाखे चल रहे हैं, सब भी देख रही है ना कहीं वो हो रहा है ना अच्छा भाई। चारा नहीं वही भाईचारे का दुश्मन होता है।
अरे मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। अच्छा मिल गया और अभी भी लगातार वही माहौल बना हुआ है अंदर। बस आप अपने घर जा रहे हैं और फिर से आप सभी को जो है ये विलादत मौला अली का मौला अली अली इब्न अबी तालिब जो है वो आपको बहुत मुबारक हो। बस अभी आप सब मिलकर एक साथ बोलते हैं कि सब मेरा और फैमिली की तरफ से आप सभी को मेरा रजब बहुत मुबारक हो। चलिए जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।